हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ केले के समोसे। उसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी मटर, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट बारीक, और अजवाइन 1 चम्मच, कच्चे केले, बॉईल किए हुए हरा धनिया। सबसे पहले हम एक बारात में 2 कटोरी आटा डाल लेना है ले लेना है। अब उसमें 1 चम्मच नमक, इसमें 4 चम्मच के करीब हमें घी डालना है। आप ऑयल भी डाल सकते हो, मैं इसमें अभी घी डाल रही हूँ। अब एक चम्मच के करीब अजवाइन, सबको अच्छे से मिक्स करके आटा लगा लेना है। मोइन हमें इतना डालना है कि अगर हम इसको हाथ में ऐसे टाइटली पकड़े तो ऐसे बनना चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेना है। अब ये आटा लग गया, इतना टाइट आटा होना चाहिए फ्रेंड्स। अब इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। अब 1 कटोरी में 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, तीखा आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से रेड चिली पाउडर डाल सकते हो। भी एक कढ़ाई ले लेनी हो, उसमें 4 चम्मच के करीब ऑयल डाल देना है। अब इसमें हींग, जीरा, राई, अब हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट। मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची लिए और अदरक लिए, अदरक का टुकड़ा करके उसको पीस लिया मिक्सी में। अब उसे अच्छे से मिक्स कर लेना। अब इसमें मटर ऐड कर देने, हरे मटर, ये फ्रोज़न हरे मटर है। और इसमें जो केले बॉईल किए थे वो ऐड कर देना। कच्चे केले को 2 सीटी लगा के कुकर में बॉईल कर लिया था। अब जो सारा मसाला हमने बनाया था वो ऐड कर देना। अब उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हरा धनिया ऐड कर देना, थोड़ा सा मैश कर लेना है फ्रेंड्स, एकदम ज़्यादा नहीं पर हल्का हल्का थोड़ा सा स्पून से ही मैश कर लेना है। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। अब 1/2 आवर हो गया है, 1/2 घंटा हो गया है। अब हम इस आटे को निकाल लेंगे। अब इसके 4 पीसेस कर लेंगे। चार इक्वल पार्ट में काट लेंगे। अब एक एक लोया लेके, एक एक पार्ट लेके उसकी रोटी बेल लेना है। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है फ्रेंड्स, रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है। अब इसे 1/2 कट कर लेना है। अगर सेंटर में थोड़ा मोटा हो
तो फिर से थोड़ा सा बेल लेना है। यहाँ पे थोड़ा मोटा लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा बेल के पतला कर रही हूँ। अगर आपको भी थोड़ा सेंटर में मोटा लगे तो वापस से उसे थोड़ा बेल ले। अब पानी लेके, फिंगर से पानी लेके उसको सील करना है, समोसों को अच्छे से उसको बंद करना है, पैक कर देना अच्छे से। ध्यान से अच्छे से पैक करना है, सील करना है, नहीं तो समोसा ऑयल में जाके खुल जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से पानी लगा के उसको सील करना है। अब इसमें फिलिंग डाल देनी है, फिलिंग ज़्यादा नहीं डालनी है फ्रेंड्स, आधे से थोड़ा ऊपर ही डालना है, ऊपर का स्पेस खाली रखना है उसको पैक करने के लिए, सील करने के लिए। अब इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करके, इसे सेंटर से फोल्ड करके, जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे फोल्ड करके फिर इसे सील करना है, दबा देना है सारा समोसे की चारों सारी साइड से दबा देनी है अच्छे से, आराम से अच्छे से सील करना है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर ऑयल में खुल जाएगा, इसलिए ध्यान से बहुत ही आराम से करना है। ऐसे ही मैं दूसरा भी करके दिखा रही हूँ आपको, पानी से पानी लगाना है उसको पहले, फिर उसे सील करना है। फ्रेंड्स ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, मैदा नहीं लिया है, आप मैदे से भी बना सकते हो, पर मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, जो बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करिए, अच्छा बनता है, बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा ही अच्छा बनता है। ऐसे ही सारे समोसों को हम फिल कर लेंगे। ये करीब 8 से 9 समोसे मेरे बने। एक साइड मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डाल के, अगर वो ऊपर आ रहा है मतलब तो ऑयल गर्म है अच्छे से। फिर मीडियम आंच पर हमें समोसों को तल देना है, गैस की आंच थोड़ी कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं, फुल आंच पर नहीं पकाना है, मीडियम रखना है आंच को, और क्रिस्पी होने तक तलना है उनको अच्छे से, उसकी जो ऊपर का परत है वो पूरा एकदम कड़क होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तलना है। इसमें नहीं फ्रेंड्स अनियन डाला है मैंने, नहीं गार्लिक कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ कच्चे केले, मटर और हरी मिर्ची का पेस्ट है, और कुछ नहीं डाला है। ये रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, अभी निकाल लेना है इसे। ऐसे ही सारे समोसे को तल लिए मैंने, अब ये सर्व करने के लिए, गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी है। थैंक्स फ्रेंड्स, आप ज़रूर घर पे ट्राई करिए, बहुत ही अच्छे बने, बहुत ही क्रिस्पी है, आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।